नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम स्पिरिचुअल आपके साथ। मैं हूँ रीना। पंचांग के अनुसार हर माह का अंतिम दिन पूर्णिमा होता है और पूर्णिमा के बाद नए माह की शुरुआत होती है। चैत्र माह की पूर्णिमा इस बार 16 अप्रैल के दिन मनाई जाएगी। चैत्र पूर्णिमा का भी विशेष महत्व है। चैत्र पूर्णिमा हिंदी कैलेंडर के अनुसार साल की पहली पूर्णिमा होती है। चैत्र पूर्णिमा के दिन हनुमान जयंती भी मनाई जाती है, इसलिए इस दिन का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। आइए जानते हैं चैत्र पूर्णिमा की तिथि, शुभ मुहूर्त और पूजन विधि और महत्व के बारे में। चैत्र पूर्णिमा की तिथि 16 अप्रैल 2022 शनिवार से शुरू होकर शनिवार के सुबह 2:25 से शुरू हो रही है और 17 अप्रैल सुबह 12:24 तक उसका समापन हो जाएगा। पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय का समय 16 अप्रैल की शाम 6:27 पर है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार जो व्यक्ति चैत्र माह में पड़ने वाले पूर्णिमा के दिन भगवान और मां लक्ष्मी की पूजा अर्चना करते हैं, उनके सभी बिगड़े काम बन जाते हैं, कार्य में आ रही रुकावटें दूर हो जाती हैं, साथ ही यश ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में उल्लेख है कि इस दिन सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने से कई गुना फल की प्राप्ति होती है। वहीं पूर्णिमा के दिन स्नान दान का भी विशेष महत्व बताया जाता है। मान्यता है कि चैत्र मास की पूर्णिमा के दिन भगवान हनुमान का जन्मोत्सव भी मनाया जाता है। इस दिन हनुमान जी जन्मे थे। हनुमान जयंती के दिन हनुमान जी की पूजा करना शुभ माना गया है। चैत्र पूर्णिमा के दिन सुबह जल्दी उठकर सभी कामों से निवृत्त होकर स्नान कर ले और भगवान विष्णु का स्मरण करें और इसके बाद भगवान के सम्मुख खड़े होकर व्रत का संकल्प लें। इसके बाद श्री हरि की माँ लक्ष्मी के साथ पूजा करें। बता दें कि इस दिन कनक धारा स्रोत का पाठ करना भी शुभ माना गया है। अंत में आरती करें और अपनी भूल चूक की क्षमा मांग लें। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे आने वाले वीडियोस के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।